रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद बादल है अंधेरे में निकल पड़ता है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। आज जो हमने 11 कवि 11 शायरों की एक टीम बनाई है, मुझे बहुत खुशी है ये चीज बताते हुए आप सभी को कि आज से एक हफ्ता पहले दादरी में जो 101 घंटे का कवि सम्मेलन करा के पाकिस्तान का 39 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ा गया था, हमारे 11 लोगों की टीम में 6 कवि शायर उस मुशायरे से एक बार जोरदार होना चाहिए। और उन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में आपके बीच बुलाना चाहता हूँ हिंदी की कवित्री जो कि सासाराम से आती है, जो बहुत खूबसूरत लिखती है, जो रिप्रेजेंट कर चुकी हैं बीएचयू में शायद को, दादरी में शायद को, देश के कई अन्य जगहों पे। मैं बहुत तालियों के साथ गुजारिश करता हूँ अपने पश्चिम मंच पे आओ अपने प्रणाम करो। माँ मीरा पाड़ी को प्रणाम करती हूँ, इस पावन रोज को प्रणाम करती हूँ, गुरु जी का आशीष चाहती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ और अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा दुआओं से नवाजिएगा कि कथा कविता गजल और छंद अपने साथ लाई हूँ, कि कथा कविता गजल और छंद अपने साथ लाई हूँ, अदब की बज़्म में सबका हमेशा प्यार पाई हूँ, और दुआओं से नवाजेंगे यही उम्मीद है मुझको, कि दुआओं से नवाजेंगे यही उम्मीद है मुझको, अदा इश्मती में वैसे मैं पहली बार आई हूँ, और आपके समक्ष संभाजित करने जा रही हूँ एक मतला और दो शेर। सुनिएगा कि बुलंदियाँ किसको मिलेगी, अखबार तय करने लगा, बुलंदियाँ किसको मिलेगी, अखबार तय करने लगा, और देश का अमनो सुकून मक्कार तय करने लगा, देश का अमनो सुकून मक्कार तय करने लगा। और शेर है कि फर से मखमल पर यहाँ कब्जा हुआ धनवान का, कि फर से मखमल पर यहाँ कब्जा हुआ धनवान का, और कटीली राह को लाचार तय करने लगा। शेर है कि फर से मखमल पर यहाँ कब्जा हुआ धनवान का, और कटीली राह को लाचार तय करने लगा। और औरतों के हवाले से एक शेर रखती होगी, आबरू इज्जत किसी की अब सुरक्षित है कहाँ, आबरू इज्जत किसी की अब सुरक्षित है कहाँ, आबरू इज्जत किसी की अब सुरक्षित है कहाँ, नारियों की कीमतें बाजार तय करने लगा, नारियों की कीमतें बाजार तय करने लगा, बुलंदियाँ किसको मिलेगी अखबार तय करने लगा। और आप सुनी के सामने एक और कथा रखती हूँ कि गर्द रुसवाइयों की होती है, गर्द रुसवाइयों की होती है, दिल का रिश्ता किसी से जोड़ दो, गर्द रुसवाइयों की उड़ती है, गर्द रुसवाइयों की उड़ती है, दिल का रिश्ता किसी से जोड़ो तो, और अपने भी कट के चलते हैं। शेर है कि अपने भी कट के चलते हैं, मुखलिसी का लिहाज ओढ़ो तो, यहाँ मुखलिसी का अर्थ होता है गरीबी। और शेर से ध्यान दीजिए कि गर्द रुसवाइयों की उड़ती है, गर्द रुसवाइयों की उड़ती है, दिल का रिश्ता किसी से जोड़ो तो, कि गर्द रुसवाइयों की उड़ती है, दिल का रिश्ता किसी से जोड़ो तो, और अपने भी कट के चलते हैं, कि अपने भी कट के चलते हैं, मुखलिसी का लिबास ओढ़ो तो, मुखलिसी का लिबास ओढ़ो तो। और एक गजल आप सभी के सामने प्रस्तुत करके जा रही हूँ, सुनिएगा और दुआओं से नवाजिएगा। शेर हाजिर करती हूँ कि कहने को तो यार बहुत है, कहने को तो यार बहुत है, अच्छे कम बेकार बहुत है, कहने को तो यार बहुत है, अच्छे कम बेकार बहुत है, और गांवों से बाहर आके जाना शहरों में मक्कार बहुत है, गांवों से बाहर आकर जाना शहरों में मक्कार बहुत है, और इश्क की राह पे सोच के चलना, कि इश्क की राह पे सोच के चलना।
सिर पुरखार बहुत है कि इश्क की राह की सोच की चलना, ये रास्ते पुरखार बहुत है और बेमतलब अशआर है सबके, कि बेमतलब अशआर है सबके, जबकि यहाँ फनकार बहुत है। बेमतलब अशआर है सबके, जबकि यहाँ फनकार बहुत है और गुर्बत का साया है सर पे। गुर्बत का अर्थ होता है गरीबी, कि गुर्बत का साया है सर पे, लेकिन सब दिलदार बहुत है। और मतलब शेर है कि मुझसे दिल का सौदा कर ले, कि मुझसे दिल का सौदा कर ले, कि धन के हकदार बहुत है। मुझसे दिल का सौदा कर ले, कि धन के हकदार बहुत है। कहने को तो यार बहुत है, अच्छे कम बेकार बहुत है। और अगर आप अपना मन दें तो मैं एक और गजल आपको सुनाकर अपनी जगह सुनाती हूँ। कि जो चमन का फूल था, जो चमन का फूल था वो खाक कैसे हो गया। कि जो चमन का फूल था वो खार कैसे हो गया, और लफ्ज़े शीर भरा अंगार कैसे हो गया। लफ्ज़े शीर भरा अंगार कैसे हो गया, और गुफ्तगु में उसकी शामिल थी बड़ी मक्कारियां। कि गुफ्तगु में उसकी शामिल थी बड़ी मक्कारियां, ऐसे इंसान को किसी से प्यार कैसे हो गया। कि गुफ्तगू में उससे शामिल थी बड़ी मक्कारियां, ऐसे इंसान को किसी से प्यार कैसे हो गया। और शेर है कि हिंद के गुलशन को जिसने अपने वतन के हवाले से पढ़ते हुए, हिंद के गुलशन को जिसने सींचा अपने खून से, हिंद के गुलशन को जिसने सींचा अपने खून से, भला इस मुल्क का गद्दार कैसे हो गया। की बात हो रही है इश्क तब और अब की बात हो रही है, तो मैं भी एक शेर रखती हूँ कि दिल की बातें दिल की धड़कन से जिसे थी नफरतें, कि दिल की बातें दिल की धड़कन से जिसे थी नफरतें, दिल की संपत्ति का वो हकदार कैसे हो गया। कि दिल की बातें दिल की धड़कन से जिसे थी नफरतें, दिल की बातें दिल की धड़कन से जिसे थी नफरतें, दिल की संपत्ति का वो हकदार कैसे हो गया। और शेर है कि दिल तुम्हारी छांव में उड़ने लगा है ऐ अदा। वाह अदा मेरा पखल्लू से इसी नाम से स्वागत है। दिल तुम्हारी छांव में उड़ने लगा है ऐ अदा, कैद था सीने में ये परदार कैसे हो गया।